सिरमौर जिला के बागथन में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल भारतवर्ष के बल्कि विदेशी चित्रकार भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव आगामी 26 अक्टूबर तक चलेगा। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार के पैतृक क्षेत्र बागथन में आई आर्ट संस्था व एक निजी स्कूल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से करीब 14 चित्रकार हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 6 विदेशी चित्रकार भी शामिल है। आई आर्ट संस्था की संस्थापक संगीता मूर्ति ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में चित्रकार अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, साथ ही बागथन क्षेत्र के आसपास के नज़ारों को भी तस्वीरों में पिरोया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में 6 विदेशी चित्रकारों के अलावा चंडीगढ़, वाराणसी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा से चित्रकार हिस्सा ले रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव आगामी 26 अक्टूबर तक चलेगा। हम लोग पिछले कुछ सालों से हमने किया हुआ है, अलग अलग देशों से और हमारे अपने देश से जो है हम आर्टिस्टों को इकट्ठा करके, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और ऐसा लगता है कि हम लोग अगर सारे मिलके आर्टिस्ट एक जगह पे हम इकट्ठे काम करें तो एक दूसरे से सीखने को मिलता है। हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक होती है, हर कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो हम एक दूसरे से सीखते तो हैं। उसके अलावा एक जो हम जिस ये एक इस वादी में आए हैं, जो हमें ये जगह हमें आए हैं, इतनी सुंदर और इतनी बिल्कुल है, कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली शहरों में रहते हैं और वहाँ पे हवा भी हमें जो कहते हैं अच्छी नहीं मिल पाती, यहाँ पे हवा के साथ साथ नेचर का इतना समावेश है दोनों का, तो हमारी पेंटिंग हमें लगता है इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, सारे आर्टिस्ट, मैं नहीं, सारे आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। कला महोत्सव के आयोजन को लेकर यहां पहुंचे चित्रकार भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चित्रकारों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से जहां चित्रकार एक दूसरे की कला से रूबरू होते हैं, वहीं उन्हें एक दूसरे की संस्कृति को जानने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो एज एन आर्टिस्ट हमारे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो कि हम अपने जो हमारी विधा है उसके माध्यम से कोई मैसेज दे पाए कि हाँ इस तरीके का आर्ट हो सकता है कि बच्चे कल को ये भी कोई आर्टिस्ट बने। तो आर्टिस्ट बनना मेरे नज़र में कोई बिजनेस नहीं है, एक्चुअली जीवन जीने की कला है, जीवन को जिया जाता है, ये सार्थक है। और ऐसी जगह में आके जब हम चिंतन करते हैं, और ये कंप्लीट चिंतन है, कंप्लीट मेडिटेशन है, कंप्लीट ध्यान है। ये यहाँ पे तीसरा इंटरनेशनल आर्ट सिम्पोजियम आयोजित किया गया है। इसको आयोजित हमारी फ्रेंड है और आर्टिस्ट है संगीता मूर्ति जी और फेलप स्कूल की ओर से, और मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरह का चारों ओर प्रकृति का, पहाड़ों का, जो हमेशा एक आर्टिस्ट या जो भी आर्ट में लिटरेचर में लोग होते हैं वो सोचते हैं, वैसी ही ये जगह है। तो जब से भी मैं आई हूँ और जब आने की ये बात कही गई थी कि यहाँ चल रहा है, तब से मुझे लगा था कि बस जल्दी से पहुँचूँ। ये जो आयोजन यहाँ किया इतनी खूबसूरत जगह पे, इतने अच्छे स्कूल पे, वो सबसे बड़ी बात है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके और यहाँ की, यहाँ के वातावरण को आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा पहचान सकते हैं, इसलिए इस उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ इस का आयोजन किया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ पर 14 आर्टिस्ट जो विदेशों से आए हैं, कहाँ से, इसमें दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हैं और मकाओ से हैं, फिर अजरबैजान से हैं, तो और बाकी इंडिया से, तो ये ख्याति प्राप्त सारे कलाकार हैं और ये 4 दिन का वर्कशॉप है। चित्रकार बागथन क्षेत्र के मनमोहक नज़ारे को देखकर भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों पर आकर चित्रकारों का मनोबल बढ़ जाता है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।